आज मैं हूँ अपनी ससुराल मुंडाड़ में और मेरे साथ हैं मुख्तार जी। मुख्तार जी की मुंडाड़ में चाय की दुकान होती थी 1964 में, और उनकी चाय की दुकान पे एक दिन एक व्यक्ति आकर रुके जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। उनके बाद इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई और बहुत रोचक कहानी है ये। कहानी एक बड़े आदमी की एक सामान्य आदमी के साथ दोस्ती की मिसाल भी है, और हम मुख्तार जी से पूछेंगे कि उनकी मुलाकात कैसे हुई और उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसे बदली। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। तो आपकी चौधरी देवलाल से कैसे मुलाकात हुई? ये 63-64 की बात है। अच्छा। मैंने वहाँ बस स्टैंड पर चाय की दुकान कर रखी थी। अच्छा। और एक की दुकान थी वहाँ बस स्टैंड मुंडाड़ पे। अब तो कस्बा सा बन गया है, पहले नहीं होता। बहुत, अब तो 200-300 दुकानें हैं जी, और मेरे ख्याल में 1000 आदमियों की जीविका चलती है बस स्टैंड। अच्छा, तब नहीं था इतना कुछ। तब एक ही दुकान हमने फर्स्ट, हमारी फाउंडेड बाय मी। अच्छा। फर्स्ट दुकान वहाँ। अच्छा, तो आपने चाय की क्यों करी, नाई की क्यों नहीं करी आपका? नाई तो? की मैंने काम ही नहीं, आज तक नहीं। अच्छा, आता नहीं आपको? हाँ। तो वहाँ साइड में एक राम कुमार नाई कुर्सी लगाता था। अच्छा, आपकी चाय की दुकान? हाँ, दुकान के बराबर। ओ बस वो हमारी मदद में ही आ जाता था नाई होने के नाते, और कोई दुकान नहीं थी किसी चीज़ की भी। अच्छा। तो देवलाल आके रुके, गाड़ी 18 नंबर अम्बेसडर कार आई। अच्छा। उसके अंदर से लंबे तकड़े एक आदमी आके पूछा, रहे छोरा किसका है? तो आप जानते थे चौधरी देवलाल को? मैं नहीं जानता। अच्छा। अरे किसका है छोरे? हम भी उनकी अच्छी वेशभूषा देख के, नौजवान थे पूरे उन दिन वो, माजी नाई का। बोले नाई का है तो फिर ये नहीं, डाढ़ी नहीं बनाता। हाँ। माना सर, बोले डाढ़ी बनवानी थी, 3-4 दिन हो गए। माजी है उसको बुला लेंगे। कौन है? मैं एक राम कुमार नाई है, मेरा पड़ोसी जी, उसको बुला लेंगे, ठीक बनाता है जी। माजी ठीक बनाएगा क्यों नहीं? बोले बढ़िया चाय बना फिर, उसको बुला ले। वो इधर उधर गया हुआ था, बुलाया कुर्सी पे बैठ के, ऐसी टूटी फूटी कुर्सी दी उन्होंने। हाँ, जो नॉर्मल जी वाला है, धोती भी पड़वा होगा मेरी तो इस पर। अच्छा। मना को नहीं बैठे माँ के, वो तो लिया था भैया बचाए उसकी दाढ़ी बनवाई। और चाहे बोला मेरे को जानते हो माना, बोला वहाँ लोंगा वार्लर वो हम समझौते के लिए गया, मैं चुटाले से देवीलाल हूँ। अच्छा। हमने भी झूठ सुन रखा था नाम, नहीं सुना नहीं था हमें, कोई नॉलेज नहीं था झूठ बोला हमने। फिर हूँ आम आ मिला के कहा, हाँ जी हाँ माँ, तो हाँ बहुत बढ़िया, आपके बारे में सुना है। बोला वो पर बहुत सी हुए चाय पी के, वो बातें चित्ते हो गाँव में क्या माहौल है क्या पार्टी का। तो उस समय उन्होंने अपनी बेटियाँ ब्याह रखी थी? ना नहीं, बाद में कर बातचीत। बोला और गांव में एक सी सरगा बरथिंग के बारे में पूछा, इस में बरथिंग है, एक बास में जलदार बरथिंग है। अच्छा। उसका लड़का भी एक एमपी बना था युद्धवीर सिंह 62 में, जीवे के निशान से जनसिंह से बना था। अच्छा। युद्धवीर सिंह और टेकराम एमएलए बने थे उन दिनों जी 62 में। बोला और इनका खुनबा ठीक से माँ, ठीक है गाँव के हालात तालात पूछ के मेरे को 100 का नोट दिया उन दिन। अच्छा, 100 रुपये दिए? हाँ, चाय के 2 कप चाय। उस टाइम तो 100 का नोट तो बड़ी बहुत बड़ी चीज थी। चाय 1 रुपये, 2 रुपये तो चाय हो गई, 2 से भी कम की थी मेरे ख्याल। अच्छा। 8 आने की होगी, 8 आने की चाय। तो मोला एक खुले को पाओ रहने दो आप, पागल है नाम है तेरा। अच्छा। 50 इस नाई को दे दिए, 50 तू रख दे। हमने गाली गोज में, हमने गाली के हमने रखे, मोले राम कुमार खुले बड़ा राख तो है। अच्छा। उसको भी चाय पिलाई थी मैंने, राम कुमार को भी साथ मुन के। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला बड़ा आदमी था, मां बड़ा था वो है। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ चले गए, उनका आना जाना होता रहा, आते भी जाते भी मेरे पास चाय जरूर पी। तब तक आपने नूबी बेरा लग गया था ये कितना बड़ा तो हमें पता चला, लोगों को बताया। 100 रुपये उन दिन बहुत बड़ी चीज थी। अच्छा, कई दिन तक नहीं खर्चे आपने? ना खर्चे ले रखे मैं। तो उन दिन दुकान भी मैंने ली ने 1000 रुपये किसी आदमी से उधार लेकर दुकान चलाई थी। अच्छा।
और तो कितने साल रखी है आपने वो दुकान? दुकान मैंने 50 साल तक अब तक रखी है। 50 साल पुल बनने से मेरी वाली। अच्छा, उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी 74 साल। 74 हो गई। अच्छा, तो चे देवराल आते जाते हमेशा मेरे पास बैठते। और एक बार चे बंसी लाल ने चे देवराल को वहाँ बरवाड़ा जलसा होते हुए उनको पकड़ लिया, पकड़वा दिए उनको, हाथों में बेड़ी पैरों में पकड़ रख दे चे देवलाल। हाँ। अच्छा, तो उनको बड़ी बस से दिल्ली पता नहीं हॉस्पिटल ले जा रहे थे, पता नहीं जेल में कहीं ले जा रहे थे। वहाँ इमरजेंसी की बात तो नहीं बता रहे? इमरजेंसी की बात नहीं, ये बाद में रोहतक जेल में रखा था। इमरजेंसी की बात नहीं, इमरजेंसी की बात नहीं, मेरे उससे पहले ही। हाँ, गिरफ्तार करवा दिया था। गिरफ्तार करवाया था। तो उन्होंने गाड़ी आगे रुकवा के नोले मुख्तार को बुलाओ यहाँ मुंडाल बस स्टैंड पे। तो उनके बेड़ी लगा रखी थी? हाँ, बेड़ी भी थी उन दिनें। तो मुख्तार सिंह थे सोनीपत से, एमपी होते थे मेरे ख्याल में, वो इलेक्शन लड़ा होगा या एमपी के थे। अगर चांद्राम भी था उनके साथ, चौधरी चांद्राम उसी बस में थे। हाँ, उसी बस में थे चार पाँच। तो मैंने उनको चाय पिलाई और 100 रुपये दिए। आपने दिए? हाँ। वो हैरान हो गए, नोले उतार देता है। हाँ, अब भाव को जाते। हाँ। तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बन गए वो। चीफ मिनिस्टर बनते ही रो यहाँ भिवानी जैसा करा उन्हें, अपने अकेले नौथ ली थी। और कैबिनेट नहीं बुलाई थी उन्हें। अच्छा, तो उन्होंने वहाँ चेतना अखबार वालों के पास खाना था, वशिष्ठ के यहाँ चेतना पंडित जी थे। हाँ, उनका चोरी चारी हो गई थी। तो उन्होंने उनको खाना खाते हुए, मैं भी वहाँ था, बच्चा ही दाम है उन दिन भी। तो वहाँ उनसे मुलाकात होने नाते मेरे को सीधा उनके पास रख लिया था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई मैंने यहाँ जलसा करने के बाद उन क्या चेतना वालों ने कहा जी हमारा चोरी होगी, रेस्पी कार्रवाई नहीं कर रहा। अच्छा, उन्हें स्टेज के ऊपर से ही उसको कह दिया मैं इसको बर्खास्त करता हूँ एसपी को। हाँ, हालांकि एसपी को बर्खास्त करने की पावर होती नहीं। पावर होती नहीं। हाँ हाँ। तो उस टाइम उन मैंने खुद देखा है, वो एसपी ने टोपी उतार के हाथ में ले ली। अच्छा, वहाँ अच्छा उस एसपी ने। हाँ, एसपी ने सीएम ने कह दिया। हाँ, सीएम ने कह दिया। उसके बाद उसको किसी ने सलाहकार ने बताया कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो 4-5 घंटे वहाँ से चंडीगढ़ से डीजीपी आया, पता नहीं कोई और अफसर आया, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया, रेस्ट हाउस में रहे। उसके बाद नेक्स्ट डे वो सुबह इधर से चंडीगढ़ जा रहे थे, उनका दस्त लग गए। वहाँ मुंडाल रुके, मुंडाल बस हम दो ही आदमी मिलते थे। अच्छा, एम एल शर्मा डॉक्टर और एक मैं। तो जो भिवानी वाले एम एल शर्मा जी। हाँ, एम एल शर्मा। वो दोनों की वो अभी मेरी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है वो डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत बढ़िया है अभी। उन्होंने अपना कोर्ट के पास अपना। अच्छा, कि आपने नाम याद दिला दिया, मुझे मिलना है उनसे। हाँ, एम एल शर्मा उनके पास भी काफी अनुभव होंगे। हाँ, उनके पास काफी अनुभव होंगे। वो और मैं बस सिर्फ हम मिलते थे, उनके सुबह दस्त लग जाते थे। फिर यहाँ सरकार बनाने के लिए सुबह मीटिंग सी हुई, चंद्रावती भी आई थी यहाँ। अच्छा, ऊपर चौबारे ऊपर कमरे में उनके चोटेग्राम में एमएलए के रुके हुए थे। तो चौधरी राजमल जीते थे, उन्होंने बोला नहर महकमा चौधरी वीरेंद्र सिंह को आईपीएम बनाया गया, नाल उनसे विधायक थे। उसके बाद मैं यहाँ से रघुवीर कादान को यहीं से टिकट दी हुई है, रघुवीर कादान दी। ये मुंडाल से है? हाँ, किरसन उड्डा। ये चारों की बहन मुंडाल में रखी है। अच्छा अच्छा, यहीं से इनको टिकट दी थी चौधरी देवलाल ने। मुंडाल बहना तो फिर ठीक है, मुंडाल ब्याह कराना तो अच्छी बात है। आप भी कुछ न कुछ बन सकते हो, पत्रकार तो हो, बटेऊ हो, आपको भी बेनिफिट मिलेगा मुंडाल ब्याह का। मुंडाल 15 विधायकों की बहन भी ब्याह रखी है। अच्छा, 15 विधायकों की बहन है मुंडाल में। हाँ, आपको बता दूं याददाश्त के लिए, चौधरीपाल 5 बार एमएलए बने। हाँ, रघुवीर कादर, किरसन हुडा, तीनों किसी न किसी की बहन है। चुटाला साहब की खुद की लड़की है। ठीक है, चुटाला साहब के साले की भी लड़की है यहाँ पे। हाँ, अभय सिंह विधायक इलाहाबाद, इसके भी साले की लड़की है यहाँ है। अच्छा। हाँ, और एक बंसी लाल का लड़का भी यहाँ, रणवीर महेंद्रा जी। रणवीर महेंद्रा जी भी यहाँ ब्याह हुए हैं।
और जुलाना से तो कुलवीर सिंह स्पीकर होते थे एक बार, उनकी भी बुआ है। अच्छा, यही मुंडाल में पंडित वासुदेव विधायक है, उनकी भी बहन यहाँ बैठ रखी है। और गुड़ेला है बरवाले से, उसकी भी बहन है। अच्छा हाँ, और सुरेंद्र बरवाला है, उसकी भी बहन है। अच्छा सर, हाँ रामफल कुंडू विधायक सपिदों से है, उनकी लड़की ब्याई हुई है मुंडाल में। अच्छा, और ये क्या नाम या गुड़ेला सुरेंद्र बरवाला और कुंडू खुद यहाँ ब्याए हुए हैं मुंडाल। अच्छा, मुंडाल तो जी फिर तो ऐतिहासिक। और उस क्या बोलते हैं उसको, लायक राम डबास एसपी थे, उनकी भी यहाँ लड़की है। अच्छा, और सुमन मंदिरी की भी यहाँ बुआ है, आईएएस आईपीएस रिलेशन रहा है। यहाँ के दो लड़के आईएफएसए हैं। अच्छा, मुंडाल के एक हिसार में एडीसी भी लगा हुआ है मुंडाल से, मान साहब भी मुंडाल से बिलोंग करते हैं, और बंसीलाल के महेंद्र के साले हैं। इसी तरह यहाँ की काफ़ी हो रही, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ गया, मोरनी हिल में थे ये जी, वहाँ मैं दूर से देखा, वहाँ पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ जाली से देख के उन मेरे को कहा इनको आने दो। अच्छा, अंदर से देख के? अंदर से आवाज़ दी पुलिस वाले को, मुख्तार नाई को अंदर आने दो। वहाँ बुलाया, मैं पैरों का हाथ लगाया मैंने, माँ जी नौकरी नौकरी नहीं ले, नौकरी क्या, नौकरी लगाने वाला ही लगाऊंगा तेरे को। तो छोटा साहब ने कहा, देवीलाल जी, देवीलाल जी, अच्छा जी। और शाम को उन्होंने मेरे को दो तीन पद दिए, उसी दिन आनंदांगी को भी चेयरमैन बनाया था। अच्छा हाँ, उसी दिन चेयरमैन बनाया था। उसके बाद आते रहे, वो चीफ मिनिस्टर होते, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो। एक बार की बात है, एक एक्शन होता था, ये बंसीलाल ने नई नहर बनवाई थी, सुंदरबांस नहीं या दूसरी थी एक, या ये चौड़ी नहर और बनाई इसके साथ में। तो वहाँ मेरे पास एक्शन एसडीओ बैठा करते, नहर खुदवा करते, बंसीलाल की सरकार थी। अच्छा, तो देवलाल बैठ जा रहे, वो दूसरी साइड में चाय पीते, वो देख क्या करते, ये बुढ़ा कौन है, कि है ये चौधरी देवलाल, वो इग्नोर किया करते। चीफ मिनिस्टर बनते वो मेरे पास आया, ठुकराल नाम का था एक्शन, बोले यार मुख्तार मेरा तबादला कर दिया, हुआ दूर कर दिया कहीं, दूर कर दिया उसमें बाखड़ा डांगल पर, डैम पर इरीगेशन का था, तबादला तो करा लो। मैंने भी गाड़ी ले ली थी उन दिन। अच्छा, वो आगे तीन चार आदमी, मैं दिल्ली गया, अब तो गाड़ी आ गई थी, गाड़ी ले ली मैंने उसी टाइम। अच्छा, अपनी गाड़ी ले ली थी, और उधर और आगे बताऊंगा, तो मैं गाड़ी लेके उसका तबादला कराने के लिए दिल्ली गया। अच्छा, वो साहब बैठे थे, एक्शन था, एसडीओ था, एक और जी मेरी गाड़ी अपनी थी, और रुकते ही पता चला कि भाई सीएम साहब तो हिसार जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली पहुंचे आप? हम दिल्ली हरियाणा भवन में ऊपर चढ़ने के पेड़ियों में से ऊपर क्रॉस किया, सेकंड फ्लोर पर सीएम हाउस, सीएम सूट है जी। तो वहाँ मिलने के लिए मैंने पहले हुआ था, मैं नमस्ते, बोला हाँ आ गया, वहाँ आ गया, लोग आने लगे काम के लिए, माँ आने लगे, बोला तो उधर होगी माँ होगी, बोला ठीक है, बोला कैसे आया था, मुझे काम था, बोला जा खो बहादुर के गाड़ी में बैठा लिया। तो अफसर वहीं देखते रह गए, और ठुकराल और एसपी उनके नाम मेरे ध्यान नहीं, वो से भाई फेसर रोजाना दुकान पर बैठते थे उस टाइम, तो आपकी हाजिरी मारने लग गए सर? ना ना, हाजिरी नहीं, वो तो पहले हिस्सा दिया करते वहाँ, और दुकान नहीं। अच्छा अच्छा, तो कहने लगे, बोला तो मैं बोला चलो, मेरे को तो एयरपोर्ट पर ले गए, गाड़ी जहाज में बैठा के हिसार ले आए। अच्छा, वो मेरे साथ ओड़े वहाँ, गाड़ी आपकी ओड़े वहाँ, गाड़ी भी हाथ में, चाबी मेरे, गाड़ी भी नहीं ला सकते। अच्छा, तो जहाज उसमें बैठे थे, पांच सात आदमियों का वो हेलीकॉप्टर था, पता नहीं जहाज, मैंने तो कभी देखा नहीं था। मैं बोला जी मैं तो काम आया था, एक सिगरेट की डिब्बी होती थी कमांडर की हरी, और वही फ्लोर से खाली होती, ऊपर होती थी वो ग्रीन, उसके ऊपर मैंने उसका नाम और एड्रेस लिख रखा था, मुझे तो बदला हो गया। सो देवलाल ने पढ़ा, नोला भाई तो सोच टेकराम ने कराया है। अच्छा, ये तो मैं रोक दूंगा, फिर टेकराम से मिल लेना, वो खुश होगा तो रोक देंगे, एक बार तो मैं रोक दूंगा तो आया है, फिर वो उससे बहस कर लेगा भाई मेरे से कोई गलती है या कोई किस तरह मेरे को बदला है। अच्छा अच्छा, मिल लेंगे। हाँ, तो इशार उतर से एडीसी साहब को कहा, इनको मुंडाल भेजो,
अच्छा डीसी साहब की गाड़ी का फ्लैग बंद करके मेरे को मुंडार छोड़ के गई और मैं यहाँ से बस में चढ़ के फिर दोबारा दिल्ली गया, वहाँ से गाड़ी ले गया। इतना वो कौन था कि यार गाड़ी दिल्ली तक ले चलो, पता ही नहीं था, मैंने जहाज पर ही दबा देखा। अच्छा अच्छा, उसके बाद तो सारे परिवार से लगाव होता चला गया। चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी मेरे को 3 महीने। अच्छा, जैसे चौधरी लाल के पास जाते थे तो ये आपको ये भी मिले वहाँ पे ओम प्रकाश चौटाला जी, रणजीत जी, इनसे? रणजीत थे मंत्री थे एक बार। भाई एक बार मेरा एक समी बैंक में था, उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया था, बंसी लाल का लगाया हुआ था। और ये सारे तो पार्टी के हिसाब से होते हैं, दूध वाली जगह बैठे हो, खाने पीने वाली जगह, बैंक में मैनेजर था, उसको यहाँ से भिवाड़ी हटा के चंडीगढ़ लगा दिया हेड ऑफिस में। तो कांग्रेसी कल्चर था, मैं भी कम बात करा था मेरे समझी से, भाई कांग्रेस वाले हैं हम को नहीं। तो आ गया मेरे पास वाले 3 किलो का कुर्ता पहरा मेरा, तबादला करा दे। मैं चो रणजीत सिंह के पास गया, सहकारिता मंत्री थे, मोहला कद बदल दे बोला तो कांग्रेस ही है वहाँ। फिर तो देवलाल जी ने फोन पर कहा, बोले इसका समझी है कांग्रेसी कैसे रहेगा, ही वे इसको वहाँ बदल दो, जहाँ ठीक हो ये ठीक समझता हो उसको पूछ लो, भिवाणी भिवाणी नहीं उसकी च्वाइस का स्टेशन दे दो, मुख्तार का समझी है तो क्या बात हुई। तो इसलिए वो बहुत वो करते मेरे को डायरेक्टर बना दिया। मैं तो देवलाल को कहने लगे, मैं तो हम मैं तो चाय की दुकान पर अच्छा था। अच्छा, रमे नहीं है। के बात माजी 4,000 रुपये मैंने मिले हैं 3 महीने में, 4,000 के कुर्ते पजामे हमारे लिए, मेरा मतलब तो कोई नहीं। उन्होंने उसी टाइम MD को बुलाया, बोल रहे वो जेसी कौर MD होते थे। अच्छा, जेसी कौर से मेरी पहले भी मुलाकात थी। जेसी कौर ने क्या था, जेसी कौर MD पहले भी थे, तो उसने भिवानी टूर पाए ने जेसी कौर जी। तो उन दिन उन बैंक का विजिट किया ना जी, तो ये शिव कुमार है ना, शिव कुमार अग्रवाल भिवानी वाला, ये बैंक में DC रेट पर लगाया हुआ था। अच्छा, और जेसी कौर मीटिंग ले रही थी, तो उसका ध्यान गया जेसी कौर का मीटिंग लेते हुए और नावर पढ़ रहा था मीटिंग में। हाँ, मैंने उसको स्टैंड अप कराया, उस पर टेबल पर खड़ा करके नवाला सॉरी फील कर। मैं तो मीटिंग ले रहा हूँ चंडीगढ़ से, हेड ऑफ दी नावल पढ़ने लग रहे हैं, अच्छा नावल पढ़ रहा है, उस नाना कहानी की करके निकल गया, उनको सस्पेंड कर दिया। वो सुरेंद्र के काफ़ी नज़दीक था, शिव कुमार जी, बाबू शिव कुमार जी, जो बाद में एक्सपायर हुए, जूस वाली जूस वाली, वो सिगरेट पीते थे लंबी वाली, पीते थे, मैं खूब जानता हूँ शिव कुमार को, राम प्रताप को, इनको सारे चेन स्मोकर थे, बिल पीते रहते चेन स्मोकर थे। उन्होंने बंसी लाल ने जाते उसको सस्पेंड कर दिया, वो 8 साल सस्पेंड रहे कंवर जी। हाँ, जैसी कंवर इस केवल इसलिए कि वो नावल पढ़ रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया। यही बात। अच्छा, उनका घर काला था, शिव कुमार का, उससे सुरेंद्र के साथ तो खास दोस्ती थी उनकी, राम प्रताप की, इसकी, एक और दलेल सिंह एडवोकेट थे, तीन चार की बहुत वो थी। उसके बाद जी जैसी कौर को बुलाया, बोले मुख्तार, तो वो देवलाल ने बाल करे आके फिर उन आते ही 2 महीने में MD लगा दिया। अच्छा, और को बैंक का भी लैंड मॉर्गेज का उनको आने के बाद। तो जी बोले क्यों वो कर रहा तू, के को नहीं मिलता तने। अच्छा, मोहल्ले 4,000 रुपया हम गुजारा, कपड़े कुर्ते पजामे सफेद रखने पड़े, हर तो वायर गाड़ी ले रहा मैं तेल को नहीं पूरा होता। मेरे को तो उसी दिन से सिलेक्शन कमेटी में प्रत्येक कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी, 3 कमेटियाँ का मेंबर बनाए थे। अच्छा, उन्होंने अरे एक मेरी गाड़ी को अप्रूव दे दी, लाल बत्ती लगाओ भाई। अच्छा, लाल बत्ती लगा दी, ऊट लगा दिया, कहीं जाओगे आप लाल बत्ती में आ गए आप सीधे। हाँ, लाल बत्ती में आ गए। उसके बाद जहाँ भी मैं जाऊँ गाड़ी लेके, एक बात उन्होंने कौर साहब ने कह दी थी, भाई कैश मत चेक करना कभी भी बैंक में। अच्छा, फंस जाओगे। अरे कहीं कोई अपसेंट हो ना, उसकी अपसेंट करके मेरे को इतला दे दो, उसको मैं सस्पेंड कर दूँगा और आपकी हवा बनती रहेगी, जहाँ तक तेरी गाड़ी जाएगी किलोमीटर मिलेंगे आपको। उन दिनों 5 रुपये किलोमीटर का रेट था। अच्छा, वो सरकारी कर दिया आपका, सरकारी कर दिया।
खाने पीने की व्यवस्था मेरी बैंक की तरफ से रेस्ट हाउस मेरे लिए अवेलेबल था। मांगेराम एक चेयरमैन था, सही वाला चेयरमैन बन गए फिर आधा। मांगेराम भादरगढ़ से विधायक था, उसको चेयरमैन बना दिया था। उसकी कुछ लूप और बातें थी, उन्होंने क्या किया, नई सरकार बनी थी, वो फ्रिज कूलर नए रखे थे, वो मांगेराम कुछ लालची आदमी था, उसमें खा गए, उसने वो घर से ले आके पुराने टेक दिए। मैंने उससे देवलाल को बता दिया कि भाई पुराने टेके बैंक का मैं इसने करते ले आके टेक दिए, रिप्लेस करा दिए, बदल दिए। उससे तो देवलाल बड़े खुश हुए, ऐसे आदमी है, विधायक है तो नॉर्मल आदमी है। वो कहाँ के विधायक थे? बादरगढ़ से। बादरगढ़ से। हाँ, उससे नाराज हो गए तो देवलाल ने वो रेस्ट हाउस मेरे को पूरा ही दे दिया। अच्छा, रेस्ट हाउस में रहकर। कौन से वाला था वहाँ? उसका बैंक का, बैंक का रेस्ट हाउस, उसके भी इंचार्ज बना दिया। मेरे को एक कमरा डायरेक्टर का रिजर्व होता है। अच्छा, मेरे को सारा ही दे दिया। सर्वेंट आते थे वहाँ, होते थे फोर्थ क्लास। मैं उनको कभी कोई चाय मंगाई, मैंने 20 रुपये चाय बाहर से बना के ले आया, वहाँ से मैंने 100 का नोट दे दिया, तो वापिस नहीं लिया मैं। अच्छा अच्छा। कपड़े धोने की होती या प्रेस करने की, मेरे को पूरी इज्जत करते। हम तीन विधायक बनाए थे जी, एक मेरे को BC से, एक जनरल से पालाराम बीबीपुर का था, एक SC का जुंडले से नफे सिंह था। अच्छा, वो 2 बार विधायक रहा। अच्छा, हमारे को दो दो आदमी लगाने के लिए तो देवलाल ने कह दिया, रे तुम बोले सूखे मरो हो, दो दो आदमी आप भी लगा लो बैंक में वैकेंसियाँ निकाल के। अच्छा, मेरे को भी पूरी तो दर्द दे दी, आप सिलेक्शन कमेटी में आप इंटरव्यू ले सकोगे। अच्छा, मैंने घूमने वाली कुर्सी बैठा दी, तो देवलाल ने जैसी कौर ने मेरा इंटरव्यू लिया, भाई आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि मैं क्यों नहीं ले सकता, जैसी कौर ने बोला ले के देखा। मैं जैसी कौर बोला ले के देखा, मैं बोला उठो कुर्सी है, मैंने बैठने दो इस पर, आप वाली कुर्सी बैठ के लूँगा। वो जस्ट वो कैंडिडेट की तरह आगे पूरी हवा हो गई है। जैसी कौर का इंटरव्यू लिया आपने? मैंने एक ही क्वेश्चन किया था जैसी कौर से, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? उन्होंने बोला ग्रेजुएट। मैं कौन से सब्जेक्ट के की है आपसे? BCom BA आर्ट्स से करिए तो क्यों की है, इसमें बैंक में तो कॉमर्स होगा चलेगी भाई। इस बात से वो हैरान हो गए, बोले अरे तो काफ़ी वो है, इंटेलिजेंट है। उसके बाद मेरे को एक तो पढ़ाई लिखाई तो आपने भी ठीक ठाक कर रखी थी। हाँ ठीक, मैट्रिक पास पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद लाए भी थे BA की डिग्री भी वहाँ भोपाल से, कोई खास 2500 में पेपर दे के हो जाती थी उन दिन। अच्छा, BA भी लेके आए? हाँ, BA भी लाए, चेयरमैन बनाया उन थे जो। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ बहुत हो रहा है मेरा, बहुत ही। चौधरी देवलाल जैसा कोई नहीं हो सकता। चौधरी देवलाल की ये ओम जी की, चुटाला साहब की मदर गुजर गई, सुबह सुबह आ गई, बोले के बात, बोला नाश हो गया, मैं के बात, बोला ओम की माँ गुजर गई। कौन आ गए? चौधरी देवलाल आ गए। अच्छा, मैं ओम की माँ गुजर गई। ओम कहा करते चुटाला साहब को? मैं कित है, बोले पथ है, बोले नाव चाह बना ली तने, मैंने चाय बना के पिला दी, डेड बॉडी एम्बुलेंस में थी। बोला मैं भी चलूँगा, मैं गाड़ी में बैठ गया तो देवलाल के साथ, तो मैं सिगरेट पिया करता हूँ दिन, कुछ कागज थे, मैं गाड़ी में बैठा, पीछे मेरी गाड़ी भी, मैंने कह दिया छोटा बेटा था मेरा, मैं चल तू पीछे आ जा, एक तन की नंबरदार था उसको भी बिठा लिया साथ में, मैं एक तन दो बोले तुम गाड़ी लेके पीछे पीछे आ जा। सर से जाके रास्ते में गाड़ी में तो देवलाल ने हाथ लगाया जेब का, क्या कर रहा है, क्या ले रहा है? मैं कुछ नहीं, कागज हैं, बोला ना सिगरेट की डिब्बी है, माँ हाँ जी सिगरेट है, पीले फिर, बोले क्यों कई देर होगी तेरे तेरी जब उम्र रही है। माँ ना जी तो ऐसे आदमी थे उनकी तो आजी भी कहानी। माँ सर से उसने कहा, बोले छोटा सा बच्चा गाड़ी ले आया, कहीं एक्सीडेंट कर दिया, कहीं पता कह दे नहीं, यहाँ ओके भरने पड़ेंगे। मैं शमशान घाट में हुआ, चला गया गाड़ी, वो सर से वापिस नंबरदार बेटा ले आए। अच्छा, सर से एक वो टूरिज्म में था मैनेजर मदनड़ी का कोई पुनिया, वो भी जानता था मेरे को, बोला मुख्तियार ये सारे अफसर आ रहे हैं, कल डेड बॉडी के और भी आदमी आ रहे हैं, इनको जूस जास चाय चूहे खाना खुना खिला दे,
इनका के दर्द दर्द तो अपने है, ये बेचारे परेशान होंगे, पता नहीं किस टाइम दाग आएगा, इनको खाना खुना तो संभाले, मेरा कहने से सिखाएंगे नहीं, तो आपने संभाला, मैंने संभाला, अपना पैसे देने के लिए उन्होंने पैसे मेरे को दिए थे, चिदेवलाल कर दिए साहब, लेकिन उसने मैनेजर ने बोला सरकारी खाता माफ कर जमा रहने, मैंने वापिस दे दिए पैसे, पुनिया था एक मदन लिखा, अच्छा अच्छा मैनेजर था वो शायद रिटायर हो गया होगा, बड़े दिन की बात होगी, लेकिन मैं शमशान घाट में आखिरी तक रहा हूँ, डेड बॉडी के पास 3 किलोमीटर पर शमशान घाट है इनका, तो देवलाल ने गाड़ी भेज के फिर मेरे को बुलाया, मुख्तार वहीं है रे, दूसरे शमशान घाट में आदमी डर जाता है, दूसरा तो भक्त है ना, सही भक्त है उनके, तो देवलाल गुजरे रात को, मैंने पता चल गया, मैं 4 बजे वहाँ पहुँच गया दिल्ली, वहाँ मैं बैठा हूँ डेड बॉडी पर, उसी के साथ उसके बड़ी व्हीकल में जो लेके गए ना दिल्ली में, उसी गाड़ी के ऊपर बैठ के गया हूँ मैं डेड बॉडी पर, अच्छा अच्छा 4 बजे वहाँ पहुँच गया था, मैं पता था, बड़े रोए हो गए उस समय, और रोए क्यों नहीं, एक बार इंदिरा गांधी की सरकार थी, दिल्ली गया हुआ था मैं, तो यहाँ काफ़ी तबीयत खराब जी, राम मनोहर लोहिया में दाखिल हो रहे थे, दाखिल हो गए, तो मैं उनके मिलने के लिए बहुत व्यस्त हो रहा, लेकिन वहाँ मिला नहीं रहा कोई भी, अच्छा उस दिन वहाँ इंदिरा गांधी भी मिलने के लिए आई थी, अच्छा तो शाम को पत्रकार एक अखबार वाला मिल गया, माँ भाई मैं तो देवलाल से मिलने के लिए आया था, इनका गुर्दा खराब बता रहे हैं, अच्छा मैं गुर्दा देना चाहता हूँ, मतलब आप इतने उनके साथ जुड़े हुए थे कि आप अपना गुर्दा तक देने के लिए तैयार थे, तो उर्दू का अखबार का पत्रकार था, मिलाप था या प्रताप था, कोई अखबार इस तरह के निकलते थे, तो देवलाल बीमार होते, वे अखबार जरूर देखा करते, अच्छा उन्होंने वो खबर छाप दी, उन्होंने खबर देख ली, मेरे को बुलाया अगले दिन, बोला देखो मुख्तार है, उससे वो मेरे ऊपर बहुत प्रभावित हुए, अब सच में दे भी देते अगर जरूरत होती तो भी, क्यों नहीं, इतने जुड़े हुए थे, अब भी आप बात करते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके, वो तो भगवान थे, ये उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, उनके औलादे हैं उनके मुकाबले में नहीं है ना, उनकी तो एक बार की बातें बताऊंगा आपको, मेरे को गाड़ी में बैठा के उनके घर ले गए टेकराम, तो 5-4 बूढ़े बैठे थे उनके घर पर, देवलाल मैं एक गाड़ी में बैठ के गए, वो कहने लगे भाई कमीनिका जो है बारह मत बैठा करो, कौन बोले, वो 3-4 बूढ़े बैठे थे वो बोले, तो चोई देवलाल ने वो कप प्लेट में चाय दी थी ना रख के, बोले अरे कमीन तो तुम हो, अच्छा कमीन को तुम साग गई ले रहे हूँ, उनका तात्पर्य भाई मेरे पर था, मुख्तार को तो मैं साथ ले रहा हूँ, हाँ बीडी गुप्ता भी आ गया था दरवाजे में उस दिन, बीडी गुप्ता भी नमस्ते के चाय दी, बोले चाय पी, तो मेरे को कहने लगा मुख्तार माँ जी, बोले आ जा पी ली चाय, एक हरिजन और था वहाँ मेरे गांव का, उसने LDC से बिजली बोर्ड से रिजाइन दिया था, बोले उसका घर कहाँ है, हमारा रास्ते में उड़क का चाय पी जा, उसके भी चाय पी, बताओ रामदारी, हाँ रामदारी नाम था उसका, उनके घर जाके चाय पी, चाय पी जाटों की चाय छोड़ दी, जाटों की चाय छोड़ के उनके चाय पी, वो बेचारा बुआनी चिड़े से इलेक्शन लड़ना चाहता था, कुछ हालात हो गए किस तरह के वो आ रहा बेचारा उन दिनों, जगन्नाथ जीता, तो उनका जाति पाति का किसी से भी कोई वो नहीं था, उनको तो वो तो आपको एक बेटे की तरह ही, मतलब हमारे को तो बेटे की तरह मानते थे, आप हैरान हो गए आजकल ये चर्चा में है, महेंद्र सिंह टिकेट का ये क्या नाम इसका राकेश टिकेट है, आप हैरान हो गए, वहाँ बरेलू राम MLA थे बरवाड़ा से, हाँ और मैं यानी मुख्तार और ये महेंद्र सिंह टिकेट, एक गाड़ी में बैठ के हम वहाँ से देवलाल का गोडा मोड़ने के लिए गए थे, हाँ गए, अच्छा एक ही गाड़ी में गए, हाँ एक गाड़ी थी हमारे पास, गाड़ी तो टिकट की भी थी लेकिन रेलू राम की 18 नंबर गाड़ी थी उसकी भी, सोमो नई नई आई थी उन दिनों, 18 या 19 नंबर था कुछ, तो हम गए ना, तो चुटाला साहब ने मेरे से बस
टिके थे, बात नहीं की महेंद्र सिंह से, मेरे से गप्पी बरकन वाले था, लड्डू खा मेरे बाप की बहुत सेवा की है। और उन दिन इनके फ्रैक्शन सा था, रणजीत भी अलग बैठा के नो, दोनों अलग अलग बैठे थे। रणजीत सिंह ने कहा हमारे घर खाना खा, मैंने बोले आपके दोपहर बाद खा लूँगा, आज यहाँ दो लड्डू खा के हम महेंद्र सिंह टिकेत और मैं और रेलू राम एक बसाओ राम ड्राइवर साहब का दोनों गाड़ी लेके पंजाब की तरफ चले गए गांव में। मैं वहाँ के करोगे, बोले एक लड़की है किसी के पैदा हो रही है, वो पीछे के जन्म की बातें बताती है। अच्छा, हाँ वो गांव तो मेरे शायद नहीं है, लेकिन वहाँ उस लड़की से मिले हम तीनों जने। आप लोग तीनों जने नहीं, हम दो तीन, रेलू राम जी थे, हाँ रेलू राम जी थे और आप थे, मैं भी था, बसाऊ राम भी था। अच्छा, और दो तीन आदमी और भी थे, उनके नाम ध्यान नहीं है मेरे, जो यूपी से भी उसके साथ आए हुए थे जी। तो फिर हम वहाँ चले गए, उनके घर गांव में गए, उनने का खाना दिया उस छोरी लड़की का। अच्छा, हाँ उसके बाद वैसाखी थी। क्या बताया उन्होंने, कुछ बताया? बताई उसने, बातें पूछी भाई, मैं वहाँ मेरे कोई दमबाजी थी उनमें, फिर वो उस गांव में भी जाके देख के। अच्छा, बोले हाँ हमारी है भाई, पता चल रहा है हमने हमारी लड़की है। वह अच्छा अच्छा, वह 8-10 साल की लड़की थी वह। अच्छा, वैसे मिलने चले गए आप? वो चले गए उसके साथ, उसको पता चला था, बोले हमने यूपी में पता चला है वहाँ पंजाब में बाबा टिकेत ने कहा ये बात। अच्छा, तब उसको देख के वो बड़े संतुष्ट है। उसके बाद हम वैसाखी का त्यौहार था, ये वैसाखी आती है और वहाँ सारी पार्टियाँ जलसे होते हैं, कौन सी जगह मंडी थी वो तरन तारण में, वहाँ जाके बरवाड़ा होते हुए वो, मैं बरवाड़ा रह गया रेलू राम के घर, वो चले गए थे। अच्छा अच्छा, तो उनकी अजीब बात थी। तो चुटाला साहब ने भी बहुत मेरे अच्छे काम करे हैं, अब भी बहुत रिगार्ड करता। नौकरी नौकरी तो आपने खूब लगवाई उस समय? नौकरी जी मैंने अपनी रिश्तेदारी लगाई, मेरे ख्याल में मैंने 15-16 नाइयों को जॉब दिया है। अच्छा अच्छा, और जाट कम्युनिटी के तो भाई तबादले तो उदले तो मैंने हो गए होंगे, झूठ बोलते मैंने लगाया को। अच्छा, ना तो मेरा लगा था, फिर डाउट फुल हो जाता था कहीं अगर नू हो जाती पीछे लेने लग गया भाई, पीछे लेता होगा ना मैंने कोई गणा। तो अब चौधरी देवीलाल के परिवार में से तो चौधरी रणजीत सिंह ही निभा रहे हैं? रणजीत सिंह पूरी निभा रहे। अच्छा अच्छा, और अब है भी? अच्छा, अब दुष्यंत से नहीं है कोई संपर्क? दुष्यंत से थी, ठीक अंकल जी कह के बोला करते, दिग्विजय भी यहाँ आया मेरे पास, घर भी आते रहते हैं, लेकिन मजे वाली बात नहीं। अच्छा अच्छा, अबे ठीक है, अबे कड़वा जरूर है, लेकिन जो कह दिया सो फाइनल है। अच्छा, वो भी आए हैं आपके पास? कौन? अबे जी। हाँ अच्छा अच्छा, अभी आते, एक बार तो मेरी गाड़ी लेके गए, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अच्छा, उनकी वो गाड़ी थी कौन सी बड़ी लैंड क्रूजर गाड़ी थी, और इशार गेम हो रहे थे, और मैं गाड़ियों का बड़ा शौकीन रहा हूँ। अच्छा, भिवाड़ी में पहली गाड़ी स्कॉर्पियो मैं ही लाया था, भिवाड़ी जिले में। अच्छा हाँ, और क्या हुआ, गाड़ी लेके मैं छोटा नंबर के लिए चुटाला साहब के पास चंडीगढ़ गया। अच्छा, छोटा नंबर चाहिए? हाँ, गाड़ी का छोटा नंबर, उस गाड़ी पर ब्लैक भी दिया था मैंने, 28,000 रुपये ब्लैक दिया था उन दिन। तो चंडीगढ़ बाई दिए नहीं मिले, मेरे साथ मेरे दो बेटे भी थे, मैं भी चंडीगढ़ से सीधे चुटाले चले गए, सरसा चले गए। सरसा जाते बोले हाँ आइए आइए, कैसे आए? मैं साहब पैरों का हाथ लगाया मैंने, चुटाला साहब गए। बोले कैसे? माँ जी गाड़ी ले आया हूँ, गाड़ी देखी चुटाला साहब, मैं हैरान हो गए। बोले ये गाड़ी? माँ जी। बोले इस पर तो वेटिंग होगी? माँ जी वेटिंग, 28,000 ब्लैक देख लिया। उसी टाइम चुटाला साहब ने फोन करके वहाँ गुड़गांव एजेंसी वाले को कह रहे हैं कम्बक हमारे हमें गाड़ी दे रहा है, गाड़ी से गाड़ी दे रहा है, इससे ब्लैक ले लिया। वो अगले दिन मेरे घर पैसे दे के गया, वापिस दे के गया ब्लैक वाले। और चुटाला साहब ने कहा क्या फीम बेचनी है छोटे नंबर लेके तने, अपने बच्चों को लगवा लेना। उसी टाइम से वहाँ एक SDM चंद्र शौकंद बैठा था, उन्होंने बोला नंबर तो मैं दे दूंगा बड़का लुआ, आजकल रिवाड़ी DC है ये चंद्र शौकंद जी, उन्होंने छोटा नंबर अपने आप ही दे दिया। वही होगा, अब भी आप रखते होगे इस नंबर को? रखते होगे नंबर को? ना नंबर तो दे दिया, गाड़ी आती जाती रहती, हमें मालूम ही नहीं था रहे छोटा नंबर की कदर बदल जाए। हाँ, बदल जाते हैं। क्या नंबर मिला था आपको? 120 नंबर दिया था उन SDM साहब ने अपने आप ही। अच्छा, उनको ये पता चला ना भाई
सीएम साहब इसके साथ इस तरह बता रहे वाले, अरे खाना खा के जाना, अंदर खाना खा ले तुम, हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, अफसर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इतने आप एक नाइयों के घर में छोटे गरीबी में पैदा होके आपने इतने बड़े आदमियों से संबंध बने, ये तो देवताओं का ही, देवताओं का काम है, ये तो भाग्य का ही खेल है, भाग्य का खेल मेरे पास है। और आपका कालजा की आपने 100 रुपए उल्टे भी दे दिए, आप हैरान हो गए, मेरे पास जिसने इंदिरा गांधी हराई थी ने, राजनारायण मेरे पास आया, इलाहाबाद से हराई थी, हाँ इलाहाबाद से हराई, वो मेरे पास आया, चाय पी के गिलास लेके गया। अच्छा, मेरे को याद रखेगा, गिलास उठा ले गया था पी के। अच्छा, हेमवती नंदन बहुगुणा आया यहाँ आपकी दुकान पे, दुकान पे चाय पी के यहाँ खंडे वाला जसवंत की सपोर्ट करने के लिए आया था। अच्छा, हाँ, जो सूरज मल का लड़का जसवंत यहाँ से कैंडिडेट मुड़ा लड़के से खड़े हुआ था, उसकी मदद के लिए आया। और कौन आए? और मनीराम बागड़ी, तो कम से कम 50 बार मेरे पास चाय पी दिल्ली ले गया। अच्छा, राजस्थान से विधायक गंगा, वो राजेशम था विधायक, वो हालांकि एक बार जयपुर में जलसा किया चौटाला साहब ने अमृतों वाला बाग में, वहाँ हम गए रुकने के लिए, जगह पूछी, मेरे याद आ गया हमारा देश में वहाँ हेल्थ मिनिस्टर था वो। अच्छा, मैंने उसके पास फोन किया, बोला अरे मुख्तियार तुम तो अपोजिशन का है, अरे मेरी हम कांग्रेसी हैं गाड़ी, मेरी लोक दल का झंडा ला के उसका घर रही 3 दिन, हमने जयपुर के नज़ारे लिए उसके घर में, खाना खुना उसने प्रबंध कराया, अब जीवित है, वो जाते रहते हैं, बहुत बड़ी आदमी है, तो देवलाल की बहुत प्रशंसा करते हैं, हरियाणा राजस्थान भवन देखा, तो काम तो श्री देवलाल ने किए, मैंने किसी का भी एक दिन की हैरानगी की बात। अच्छा, कभी ये चौधरी बंसीलाल वगैरह भी रुके कभी? बंसीलाल से एक बार मिले हैं हम, जलसा भी किराया उन्होंने, उनका लड़का भी ब्याह रखा है, उन्होंने एक ज्यादा वो रू नहीं जोड़ी, रू हमारे से नहीं गांव से ही नहीं जोड़ी। अच्छा, हमारे गांव में एक बार जलसा करके पूछा है, बोला जी शुगर मिल, वो शुगर मिल का नाम लेते हैं वाला पैर या कोई बीमारी होती है वो लग जाती है, तुम्हारा ईख ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, फिर कॉलेज के बारे में भी डिमांड करी, ज्यादा पढ़े लिखे ठीक नहीं है। अच्छा, इग्नोर कर गया, यहाँ खाना भी खाने के लिए शायद नहीं गया वो, उनके जहाँ प्रोग्राम जलसा करके गया, वो बेरुखी कड़वा ही था, स्पीड में रहता था। और कोई बात याद हो आपको पुरानी कोई बढ़िया? तो चरण सिंह आए थे, चरण सिंह भी आया, तो चरण सिंह आए मेरे, तो उनका तो देवलाल का तो बिगाड़ हो गया था, हाँ बाद में हुआ, बाद में हुआ जब बलबीर ग्रेवाल MLA होते थे, वो उसकी तरफ चले गया था, एक मेरा क्लास फेलो या कुंगड़ी से भी था वो विधायक थे, न विधायक बने नहीं, वो बाई जो चले गए। अच्छा, जब सिर्फ 10,000 रुपये में ये MP बना था बहादुर सिंह का, ये DC रामनारायण जी ने बनाया था। अच्छा, अच्छा, कुछ भी नहीं था जब वो, तो उन तो ऐसे ऐसे आदमी है कुट्टे पड़े हैं जो कि मनोहर। अच्छा, चरण सिंह भी चाय पीने के लिए रुके थे? चरण सिंह बहुत जगजीवन राम। अच्छा, इनके जन्मदिन पर ही वो काफी मोटे थे, मैं जगजीवन राम के पास मेरा 1 महीना रहने का सौभाग्य रहा। अच्छा, तो देवलाल ने कहा इन्हें कांग्रेस जेब बनाई थी, बोले मुख्तियार तू यहाँ रह कोठी पर पता कर क्या मामला है, तो देवलाल ने कहा, तो देवलाल ने कहा मैं वहाँ दिल्ली रहा। अच्छा, आप हैरान हो गए, वो मैं मेरे को तो जगजीवन राम भी बेटा मानने लगे। अच्छा, उनके साथ भी पर हाँ 1 महीना मैं वहाँ उसी कोठी पर आया उसकी, उसके लिए SID लेने के लिए। अच्छा, और उन दिन ये चरण सिंह भी जीते तो टिकट लेने के लिए वीरेंद्र और ये जा रहे थे पैदल उनके कोठी से आगे से, तो ये मजाक किया, निहाल सिंह थे टेकराम के भाई, नोले मुख्तियार वाली कोठी आई, जगजीवन राम की कोठी आई ना, तो आप हैरान हो गए, बोला जी कोठी तो है उनकी लेकिन भगवान की दया है चौधरी ऐसी है, आप चरण सिंह की कोठी पे चलेंगे मैं भी चलूँगा देखना। मैंने उनको जूस पिलाया, काजू खिलाए, उनका ड्राइंग रूम इससे बड़ा था चरण सिंह का, जो जगजीवन राम जी का पार्टी, उन्होंने कांग्रेस जी छोड़ दी, कांग्रेस कई उन्होंने अपनी पार्टी जगजीवन बना ली थी कांग्रेस, तो उनके देखे ना सारे कोई जहाज रखा है सोना चांदी के सारे जवाहर इतने मेडल थे, तो कहने का तात्पर्य ये है, एक दिन कहने लगे मेरी गाड़ी का चलान कर रहा था कोई वो दिल्ली में, तो मैंने बाबूजी में बताया, बोले अरे वहीं खड़ी करके आता शाम को यहाँ छोड़ के जाते हो, मैं के बात साहब, बोले जितनी एजेंसियाँ हैं ना दिल्ली में सारी मैंने दे रखी हैं। अच्छा, और ये IAS IPS है ना, शाम को देखना ये सारे आएंगे ना मेरे को,
बैग में शाम को आते कम से कम भी 50 IAS IPS अफसर आते शिविर में और उनको बैग में से नोट दे के जाते पार्टी में। किसको? जगजीवन राम को और रखते थे। हाँ उनके लगाए हुए थे सारे उनको। अच्छा ये तो मेरे को ज्ञान नहीं है। 5,000 10,000 वो बैग में जाते। एंटी रामा राव भी जन्मदिन पाया। अच्छा। एंटी रामा राव मेरे को बहुत अच्छी तरह जानता। मैं इस तरह आप बैठे इस तरह उसके पास बैठा रहता। भगमा कपड़े पहनते थे वो। हाँ हाँ। और मेरे को मुख कहते थे। मुख्तियार नाम पूरा नहीं कहते थे। मुख क्या हाल। अच्छा। चलो अंदरा मैंने ज्ञान नहीं था। कई बार बड़े नेता थे वो। उसका दक्षिण भारत के बहुत बड़े नेता थे। तक मैंने ज्ञान नहीं था। 2-3 जन्मदिनों पर मेरी उसकी मुलाकात हुई। एक बार तो 20 घी के उसके हलवे के पीपे लाए जन्मदिन पर जगजीवन राम का। 20 हलवे के पीपे गरम गरम कैसे मैं हैरान रहा। पीपे में इतना हलवा कैसे सील बंद गरम। हाँ गरम। और कहते थे एंटी राम मारो। हमें ज्ञान नहीं था। वो वहाँ जाते पता तो नहीं था ना। चलो बिना ज्ञान भी बहुत कुछ कर लिया आपने। उन दिन फोटो फाटू का भी शौक नहीं था। वहाँ फोटो उतरवाते या मिल लेते वो थी नहीं ना बात। अच्छा चौधरी चरण सिंह तो बहुत सादे जीवन जीने वाले थे। बिल्कुल सादे थे। वहाँ बस मेरे पास जगजीवन और वो और इशार गए थे वो आते हुए मेरे पास बैठ के रहते हुए चाय पी के। हाँ तो उनके कहने से रुके थे बेचारे मेरी दुकान पर। वो तो प्रधानमंत्री निवास में भी एक ही कमरे में रुकते थे। एक ही कमरे में रुकते थे चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह का दादा। तो ये बलबीर ग्रेवाल और ये सारे लोग तो जान पहचान के होंगे। जान पहचान सारे जाने थे मैंने मेरे पास। मुझे जाना है उनका इंटरव्यू करने। वैसे बलबीर ग्रेवाल जी तो मैं लिखा था कई दिन हुए। मैंने कम से कम भी मेरे पास 50 विधायक MP सारे ने चाय पी रखी है। अच्छा अच्छा। तो मेरे अब चाय की दुकान बंद कर दी। अब चाय की दुकान वहाँ और ब्रिज बन गया। ओहो वो रोड में तो दुकान चली गई ऊपर ब्रिज बन गया। आने जाने वाले ऊपर के जाने लगे। मेरी जगह रही नहीं। अच्छा। उनने वहाँ सेल हुई नहीं और बेची है नहीं। किराया इतना बढ़ गया कि नहीं। अच्छा अच्छा। फिर बेटे नौकरी लग रही उम्र भी हो अब जरूरत भी नहीं है। बच्चे भी नोले कहाँ कब तो होगा। उम्र बहुत बुढ़ी होगी। बच्चों का आधारित हूँ मैं। बच्चे रोटी देता है। बैंक में इम्प्लाइज है। यो दो हरियाणा पुलिस में है। पोती ITB में DSP लगी है। ठीक भगवान की दया से सुटाला साहब ने भी बहुत कुछ जाए जो जो उन्होंने भी दिखाया मेरे को। वो भी भिवानी से हवा बनाने के लिए गाड़ी में नोला मुख्तार वहाँ जाना है दिल्ली। मैं जा रहा हूँ साहब बिठाओगे। बोले गाड़ी खड़ी कर। गाड़ी खड़ी करते मेरे को ले गए। बोला पहले बैठा था तुम्हें जहाज में कभी। मैं ना साहब हालांकि मैं बैठ चुका था उसके साथ। बोला ना जी उस दिन भाई जी अजय भी था उसी जहाज में और ये हरपाल मलिक भी। उन्हें बेंगलोर जाना था। वो DC साहब भी बैठे थे। अरे वो MLA और था इसका बुजुर्ग और वहाँ कुरुक्षेत्र का वो जो काफ़ी नज़दीक रहा इनके केस में ना वहाँ शेर सिंह बड़श्याम वो भी थे। तो रास्ते में चुटाला साहब अजय कहने लगे मुख्तार कोई काम था क्या। मैं बोला ना काम तो कौन था। चुटाला साहब ने चश्मा उतार के कहा ये भिवानी के अफसरों को धमकाएगा और क्या काम है भाई। मैं CM साहब के साथ जहाज में गया तो उसी टाइम तो यार पाल जी बैठे थे। नोला ने जी ऐसा तो नहीं है ये कहने लगे। बोले कम वक्त बोला ये तो वकील को भी साथ ले रहा है। तो उनकी अजीब भी बात थी। चलो दोस्तों ये हैं मुख्तार नाई जी मुंडाल से। आपने इनकी कहानी सुनी होगी। मेरे ख्याल से ये भाग्य का ही खेल है कि एक साधारण से घर में पैदा होके इतने सारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी देवलाल उनके उन पिता जैसे हैं इनके। चौधरी चरण सिंह और पता नहीं देश के किन किन बड़े नेताओं ने आके मुंडाल में चाय पी है। तो अगर इनसे आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और ये उसका जवाब ज़रूर देंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। धन्यवाद जी आपका। और शुक्रिया साहब।